तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि पबजी मोबाइल का जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं ऑफिशियल आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करके दिखा दूंगी। तो गाइज फाइनली 16 तारीख का टाइम था और आज 16 तारीख के दिन वेबसाइट पे यहाँ पे अपडेट आ चुका है, जो कि मैंने अपडेट कर भी लिया है। आप लोग देखो अपडेट के अंदर जो जो चीज़ें आने वाली थी वो सब कुछ आ चुकी है, जो कि WOW के अंदर भी बहुत सारे मैप आने वाले थे जो कि बंदों ने यहाँ पे खुद से क्रिएट करे थे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ पे 2.5 का अपडेट आ चुका है। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि जो भी बंदे इंडिया से बाहर है वो लोगों को तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे अपडेट मिल ही गया होगा, तो आप लोगों को अगर नहीं मिला है तो आप लोग नॉर्मली प्ले स्टोर पे ही चेकआउट कर लेना, क्योंकि आप लोगों के सबके कंट्री में तो यहाँ पे भी पबजी मोबाइल चल ही रहा है, तो इसीलिए आप लोगों को कोई झंझट नहीं है, नॉर्मली आप लोगों को प्ले स्टोर पे ही चेकआउट कर लेना है। फिर भी गाइज अगर आप लोगों का प्ले स्टोर पे अपडेट नहीं आया है तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्टली APK ही प्रोवाइड करूंगी, जिसके थ्रू आप लोग यहां पे डायरेक्टली इंस्टॉल करके बहुत ही एंजॉय के साथ पबजी मोबाइल खेल सकते हो। और गाइज यहां पे जो बंदे भी इंडिया से हैं और वो लोग यहां पे विदाउट VPN विदाउट वाईफाई कोई भी झंझट के बिना यहां पे पबजी मोबाइल खेलना चाहते हैं तो उनको भी यहां पे मैं पूरी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप लोग पबजी मोबाइल 2.5 का यहां पे अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइज यहां पे आपको क्या करना है कि आप लोगों को नॉर्मली यहां पे कोई सा भी VPN डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि पबजी मोबाइल की जो वेबसाइट है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे आप लोगों की नहीं खुलेगी विदाउट VPN, और जो बंदे यहाँ पे इंडिया से बाहर है वो तो डायरेक्टली यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाके पबजी मोबाइल की वेबसाइट खोल सकते हैं। VPN सिर्फ इंडिया वालों को ही यहाँ पे लगाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे VPN लगा दिया है। VPN लगाने के बाद आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है और गूगल क्रोम के अंदर आप लोगों को नॉर्मली सर्च कर लेना है pubjimobile.com, ठीक है। तो pubjimobile.com सर्च करते ही गाइस आप लोगों की यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, और वेबसाइट के अंदर आप लोग जाओगे तो मेन पेज पे ही आप लोगों को यहाँ पे 2 APK देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे एक 1.3 का है और सेकेंड यहाँ पे 600 के ऊपर कुछ MB का है, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना है कि वैसे तो ये दोनों APK यहाँ पे एंड्रॉयड वालों का ही है, लेकिन फर्स्ट वाले APK अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आपको ज़्यादा रिसोर्स पैक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप लोग छोटा वाला करोगे तो उसके लिए गाइज आपको वापस से यहाँ पे रिसोर्स पैक भी डाउनलोड करने पड़ेंगे। इससे अच्छा यही है कि 1.3 GB का है उसको आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, और जैसे ही गाइज आप लोग फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो नॉर्मली आप लोगों को डाउनलोड सेक्शन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा कि ये कौन सा वर्जन है। जैसे कि आप लोग देखो मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ग्लोबल 2.5 का ही यहाँ पे वर्जन है। अगर आप लोगों को 2.4 का दिखाता है तो डाउनलोड कैंसिल कर लेना, क्योंकि किसी किसी को अभी तक वेबसाइट पे मिला भी नहीं होगा। तो नॉर्मली आप लोगों को 2.5 का यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। मैं भी यहाँ पे नॉर्मली डाउनलोड कर लेती हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो इसके ऊपर आप लोगों को नॉर्मली क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मली इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये वाला जो पबजी मोबाइल 2.5 का APK है वो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे जो भी लोग इंडिया से बाहर है वो तो डायरेक्टली ही पबजी मोबाइल को यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करके खेल सकते हो, लेकिन गाइज जो लोग यहाँ पे इंडिया से हैं उनको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद गाइज आप लोग विदाउट VPN और विदाउट वाईफाई भी यहाँ पे पबजी मोबाइल को खेल सकोगे। तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है अपने मोबाइल की, और सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पे प्राइवेट DNS सर्च कर लेना है। प्राइवेट DNS सबके मोबाइल में होता ही है। प्राइवेट DNS जैसे ही आप लोगों का सर्च हो जाता है उसके बाद उसको ओपन करो, और जहाँ पे प्राइवेट DNS लिखा है वो आप लोगों का अभी ऑफ होगा तो उसको आप लोगों को डेजिग्नेटेड प्राइवेट DNS पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ लिखनी है जो कि आप लोग देख सकते हो DNS.Google। आप लोग DNS स्मॉल लिखोगे तो भी चलेगा, कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा। DNS.Google लिख के आप लोगों को यहाँ पे इसको सेव कर देना है, जिससे आप लोगों का जो प्राइवेट DNS है वो डेजिग्नेटेड पे यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों का ऑन हो जाता है उसके बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे पबजी मोबाइल का जो आपका APK है उसको ओपन ही कर लेना है। जो लोग इंडिया से बाहर है वो डायरेक्टली ओपन करना, जो लोग इंडिया से है और विदाउट वाईफाई खेलना चाहते हैं और विदाउट VPN खेलना चाहते हैं उनको यहाँ पे प्राइवेट DNS वाली स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखो गाइज यहाँ पे पबजी मोबाइल को मैं ओपन कर रही हूँ, और बहुत ही आराम से और बहुत ही ईजीली हमारा पबजी मोबाइल है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। 21 MB का कुछ अपडेट आएगा तो उसको भी आप लोगों को नॉर्मली अपडेट कर लेना है, और आप लोग देख सकते हो कंपाइल रिसर्चिंग करके कुछ आया और मेरा पबजी मोबाइल का जो APK है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो इसी तरीके से गाइज आप लोगों को यहाँ पे पबजी मोबाइल को वेबसाइट के ऊपर से ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जो लोग यहाँ पे इंडिया से बाहर है वो लोग डायरेक्टली वेबसाइट खोल लेना, जो लोग इंडिया से है उनको VPN लगा के वेबसाइट खोलनी है, फिर प्राइवेट DNS ऑन करके आप लोगों को पबजी मोबाइल खोलना है, जिससे गाइज आप लोग विदाउट वाईफाई और विदाउट VPN ही यहाँ पे
पबजी मोबाइल को खेल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो मेरा कोई सा भी VPN अभी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। विदाउट VPN गाइज हम लोगों का यहाँ पे ओपन हो चुका है। बट अगर आप लोगों को यहाँ पे पबजी मोबाइल का APK वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड नहीं करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को यहाँ पे पबजी मोबाइल 2.5 का APK भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को APK डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके आराम से खेलना है। जो लोग इंडिया से बाहर है वो लोग डायरेक्ट इंस्टॉल करके खेल सकते हो और जो लोग यहाँ पे इंडिया से है वो लोग इंस्टॉल करो, उसके बाद प्राइवेट DNS वाले जो स्टेप मैंने बताई उसको यहाँ पे फॉलो करो, फिर आप लोग नॉर्मली पबजी मोबाइल को ओपन कर लेना जिससे आप लोगों का पबजी मोबाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब 2.5 के अपडेट में जो भी चीज़ें आएगी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर से कवर करूँगी। अभी के लिए ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।